बजट सत्र की इस पहले पार्ट की भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की यह अंतिम बैठक थी। चूंकि जो सांसद राज्यसभा में 2 अप्रैल को रिटायर कर रहे हैं, ये उनकी भी अंतिम बैठक थी और उसमें माननीय बाल आप्टे जी, साणप्पा जी, गांधी भाई पटेल जी, अनुसुईया उइके और मैं खुद उपस्थित था। उनको उनके बारे में, उनके अपने राजनीतिक संसदीय राजनीतिक जीवन के बारे में एक चर्चा करने का समय मिला। लोगों ने अपने अपने अनुभव संसदीय पार्टी के साथ शेयर किए और उसके बाद माननीय अडवाणी जी, माननीय सुषमा जी और माननीय अरुण जी ने अपने आशीर्वाद वचनों से उनको भावभीनी विदाई दी। उसके साथ साथ आज लोकसभा में बजट का भाषण, असल में कल करीब रात 10 बजे तक बैठकर चर्चा होनी थी, कल महत्वपूर्ण विषयों के कारण लोकसभा चल ना पाई और आज हमारे तरफ से कैलाश जोशी जी और अंततः यशवंत सिन्हा जी प्रणब बाबू के पहले बोलेंगे और उसके बाद बजट पास होगा। वहाँ कल हमारे यहाँ बजट की चर्चा आरंभ हुई थी, आज वो कंप्लीट की जाएगी और संभवतः कल तक अगर राष्ट्रपति के यहाँ से अनुमोदन होकर बजट लोकसभा द्वारा पारित किया हुआ अनुमोदन होकर राज्यसभा में आ जाएगा तो कल वहाँ पारित किया जाएगा। सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है क्योंकि हमने कुछ मांगें रखी हुई हैं और उन मांगों को मानने के लिए आग्रह किया हुआ है, तो हो सकता है कि उस पर कोई वोट की पोजीशन बन सकती हो, तो उसलिए वो उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। इतना ही कहना था, नहीं सबको उपस्थित कहने के निंदा प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं। नहीं, वो तो कल रात को कुछ हुआ है उनका, अब वो स्टेटमेंट अगर उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी गठन की है, आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस में एके एंटोनी के बयान का कोई उल्लेख नहीं है, वो उल्लेख होना चाहिए, सदन में बताना चाहिए कि उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी बैठाई है और सीबीआई इंक्वायरी का टर्म्स एंड रेफरेंस क्या है, वो हम लोग जानना चाहेंगे।